नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पे चोपड़ा जैन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने आपको मेरे जो मन की बात बताई थी उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, मेरी बातों को अच्छे से समझा और कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे बहुत सारी दुआएं भी दी। दोस्तों, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको आप लोग कहीं ना कहीं उसको यथार्थ में समझने की कोशिश करें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो कोई सामान्य काम नहीं है। क्योंकि होम्योपैथी के हिसाब से अगर हम क्रिटिकल सर्जिकल आखिरी स्टेज या जो ऐसे केसेस जिसमें सबने हाथ खड़े कर दिए हैं और अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये तो सही बात है कि होम्योपैथी जो पुराना सिस्टम है क्लासिकल होम्योपैथी के हिसाब से हम 5 बूंद 10 बूंद जो हमें प्राप्त हुआ था उसमें हम इतने बड़े बड़े क्रिटिकल केस, सर्जिकल केस, पैथोलॉजिकल इनक्योरेबल या लास्ट स्टेज के पेशेंट्स को जो पहले नहीं देख पाते थे, उसका मेन रीज़न यही था कि डोज बहुत छोटा हो जाता था, स्लो हो जाता था और हमें उतना ही बताया गया था जो जर्मनी से हमारे पास आया था। अब चूंकि हर फील्ड में रिसर्च होता है इसीलिए जैसे एलोपैथी का रिसर्च होता है, दुनिया में कई सारे अलग अलग फील्ड में रिसर्च हो रहा है, इसमें मैंने भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के नाम से एक रिसर्च किया और इस होम्योपैथी को हमने फास्ट करने के लिए, एग्रेसिव करने के लिए कुछ कंसेप्ट में परिवर्तन किए। और जो होम्योपैथी सेफ है, होम्योपैथी सभी जानते हैं कि सेफ सिस्टम है, पर यह भी जानते हैं कि स्लो सिस्टम है। और जब ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें समय नहीं है, उनके पास उनकी स्टेज बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इसको स्लो ट्रीटमेंट से हम किसी को रिकवरी दे सके। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं एक विजन होता है कि हम इस परिवर्तन को स्वीकार करें कि इस पेशेंट के हिसाब से हमें आज के हिसाब से जो प्रैक्टिकल बात है उसके हिसाब से डोज को तय करना चाहिए। और यही मेरा रिसर्च था कि हम सेफ सिस्टम तो रख ही रहे हैं पर उसको स्लो की जगह फास्ट करने के लिए थोड़ा डोज को बढ़ाते हैं और बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। और जिस हिसाब से आपकी रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स आती है उस हिसाब से हम अगला फॉलोअप में उसके डोजेस को और ज़्यादा कम ज़्यादा कर पाते हैं। तो दोस्तों, चूंकि सामान्य तरीके से तो ये काम नहीं हो सकता था इसलिए लीक से हटके कुछ काम करने की जरूरत थी, इसके लिए रिसर्च की जरूरत पड़ती थी। और ये सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी टोटली एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, इसीलिए हमने WHO को मान्यता को जो पूरा करने के लिए कि हम कोई भी चीज़ बताएं तो उसके पीछे आधार हमारे पास हो, तो हमने रिपोर्ट्स के आधार पर, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर, आपकी सीवियरिटी के आधार पर जो भी रिस्पॉन्स आप बताते हैं उसके आधार पर जो डेटा है वो इकट्ठा किया। और आज उसी का फल है कि आज मैं जो भी बात बताता हूँ उसके पीछे मेरे पास पर्याप्त एक एविडेंस का सिस्टम होता है जिसमें आप जाकर उन पेशेंट्स के रिपोर्ट्स, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट, ठीक होने वाले पेशेंट्स के फीडबैक, जो 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स के अपडेट्स हमने ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं, करीब 300 प्रकार की बीमारियों पर ये अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम होना भी चाहिए ताकि यथार्थ में इसको देखा जा सके, समझा जा सके और वेरीफाई भी किया जा सके। और कहीं ना कहीं इसका रिसर्च का आगे जब पब्लिकेशन होता है या आगे दुनिया के WHO को जब हम देते हैं या आगे कभी हो सकता है कि इसके कारण जो भी लोगों को फायदा मिलेगा, तो बिना एविडेंस बेस्ड सिस्टम का पॉसिबल नहीं था। ईश्वर की कृपा के कारण ये सब संभव भी हुआ है, एविडेंस बेस्ड सिस्टम के कारण ये यथार्थ में है। और निश्चित रूप से ये हमारा जो प्रयास है कि हम होम्योपैथी को साइंटिफिक तरीके से यूज़ करेंगे और साइंटिफिक तरीके से एग्रेसिव और बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल ट्रीटमेंट देकर लोगों को क्रिटिकल और सर्जिकल केस से कहीं ना कहीं फायदा मिलने के लिए जो होम्योपैथी से उम्मीद है वो हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम डोज बड़ा रखते हैं तो ये भी होता है ना, जब छोटा डोज होता है और कोई चीज़ बड़ी डोज होती है तो थोड़ा क्वांटिटी वाइज हम डोजेस जब बढ़ाते हैं तो कई बार पेशेंट्स की एक क्वेरी होती है कि सर, जो बाकी होम्योपैथी है वहाँ पे बहुत बेसिक 200-400-500 रुपये का ट्रीटमेंट होता है, कई बार आपके यहाँ पेशेंट को थोड़ा बहुत कॉस्ट ज़्यादा लगती है। उसका रीज़न है दोस्तों कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी दवाइयों की कॉस्ट बढ़ती है इसलिए डोजेस बढ़ते हैं और इसलिए आपको दवाइयों की कॉस्ट बढ़ती है। अदरवाइज़ जो मेरी फीस है वो एक बेसिक लेवल पे है, एक महीने की जितनी फीस है उसमें महीने भर का ट्रीटमेंट, आप कितनी बार भी बात करते हैं या कितनी बार भी आप यहाँ पे विजिट करते हैं उसमें बार बार फीस नहीं लगती, वो एक ही बार लगाई जाती है। और जो आपके दवाइयों के डोजेस होते हैं जो छोटा लेवल होता है उसमें भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, उस केस की डिमांड अगर कहते हैं कि थोड़ा अपने को पावर ज़्यादा रख के हम कवर जल्दी कर सकें, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ऊपर के डोजेस को देते हैं ताकि वो रिकवरी स्पीड बढ़ाई जा सके। 4 से 6 महीने का काम हम 1 महीने में करने की कोशिश करते हैं और होम्योपैथी के हिसाब से तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए जो डोज है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से देने के लिए सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का उपयोग जो मेरा रिसर्च है उससे हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो भी कॉस्ट आती है वो मेडिसिन की कॉस्ट होती है। और मैंने एक पिछले अपने उद्बोधन में भी कहा था कि अगर हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि जब आपकी रिपोर्ट्स फॉलोअप में आती है और हमें लगता है कि और डोज बढ़ाया जा सकता है तो मैं अपनी ओर से खुद डोज बढ़ा देता हूँ ताकि आपके ऊपर कॉस्ट का जो भार ना आए, लेकिन कई बार मैं डोज बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा एक जुनून होता है और बिना जुनून के, बिना मेहनत के कोई भी पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता। ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, कहीं ना कहीं शिफा मिलती है,
और हमारा जो जुनून है और एक तरीके से जो प्रयास है और आप लोगों का विश्वास है, सहयोग है, पेशेंट जो टाइम से दवाई लेते हैं उसका फल कहीं ना कहीं हमें अच्छे रिजल्ट के रूप में जरूर मिलता है। और इसीलिए शायद 3,000 से ज़्यादा पेशेंट जितने लोग ठीक हुए हैं उसमें से मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी पूरा योगदान है कि उन्होंने आपने उन दवाइयों को अच्छे से लिया। और एक ईश्वर के आत्मीयता से जैसा हम दवाई लेते हैं उस तरीके से आपने हमें कहीं ना कहीं मौका दिया इस दवाई को लेने के लिए, और इसीलिए आप इतने क्रिटिकल केसेस में भी ठीक होकर कहीं ना कहीं वापस खड़े हो सके, फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग देकर आज कहीं ना कहीं आप परिवार में खड़े हैं और समाज में कहीं ना कहीं अपना नाम बता पा रहे हैं और वापस अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं सहायता भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात को मैंने आज अपने मन की बात के आगे के लिए आज आपको फिर से बोला है कि हम जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका सपोर्ट बहुत लगता है, और अगर आप हमें मॉरल सपोर्ट देते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारा जो प्रयास है अगले पेशेंट्स के लिए और अच्छा हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें मैं काम करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, क्योंकि सबने मना कर दिया होता है, समय भी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। भले जिस भी स्टेज में पेशेंट हमसे अप्रोच करते हैं हम पूरा कोशिश करेंगे कि भले अंतिम अवस्था के आधे घंटे में ही सही, अगर समझ लीजिए कोमा का कोई पेशेंट है और आखिरी में वेंटिलेटर हटाने की स्थिति आती है तो भी हम आधे घंटे में भी अपनी दवाइयां भेजते हैं, और अगर आरटी फीडिंग नाक की नली से हम देख के अगर उसका न्यूरोपैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को एक्टिव करना चालू कर देते हैं तो हो सकता है वो आधे घंटे का बूस्टिंग है वो अगले 3 दिन में उसके लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल के रूप में सामने आए और 5 से 7-10 दिन में वो पेशेंट कोमा से भी बाहर आ जाए। तो ये अगर ईश्वर ने उसके लिए लिखा है, मालिक ने लिखा है, तो निश्चित रूप से ये होगा। तो कहीं ना कहीं पेशेंट को यहाँ का अप्रोच पता चलेगा, हमारा प्रयास उसमें भी पूरी तरीके से होगा, और अगर ऊपर से अगर लिखा के आ रहा है कि जो उसके लिए अच्छा हो सकता है तो निश्चित रूप से अगर इस हाथ में अगर इतनी शिफा है, करीब 3,000 से ज़्यादा लोगों को आज हमने खड़ा किया है, तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो भी असंभव केस है उसके लिए संभव तरीके से जो हमारा रिसर्च है हम आपका जो भी विश्वास है उसको पूरी तरीके से अपने प्रयासों से सही कर सके, सफल कर सके और फलीभूत भी कर सके। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप मेरी मन की बात को फिर से आज अच्छे से सुनेंगे और जो भी आपका रिस्पांस है मुझे बताएं, अगर कुछ लगता है तो मैं बिल्कुल उसमें अपनी ओर से भी कोई और ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं आज भी सीखता हूँ, हर पेशेंट एक मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और एक निरंतर मेरा रिसर्च भी है कि मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने जो अगले इन्वेंशन हैं उसके जो फायदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग जो हमें बताते हैं वो भी फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हम उससे भी कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा लोगों के लिए मदद करके जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम और ज़्यादा ईजी करके मदद करके जो अपना तरीका है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लोगों को मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे मन की बात आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई बात हो तो आप मुझ तक जरूर पहुँचाएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे लाइव बात करने में, आज मैं काफ़ी समय बाद मैंने बात करना चालू किया क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं बोल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, इसलिए कई बार मैं चाहकर भी इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। पेशेंट्स जरूर अपने फीडबैक देते थे पर मैंने बहुत समय पहले बोलना चालू किया था, और टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स, टीवी इंटरव्यूज़ ये तो मैं ज़रूर मैं बोलता हूँ क्योंकि वहाँ तो एक प्लेटफॉर्म होता ही है जहाँ पर आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे सुनते हैं, पर ये यूट्यूब के माध्यम से मैंने बहुत कम लाइव बोला है। और मेरा ये बोलना अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताएं, और अगर लगता है तो मैं कुछ ना कुछ नया कुछ और सीरीज़ पे मैं अपने मन की बात जरूर रखूँगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।